राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दबंगों ने प्रशासन को दिखाया ठेंगा, पैमाइश के बाद दोबारा दूसरी जमीन पर दिखाया जा रहा है कब्जा। आजमगढ़ जनपद के गंभीरपुर थाना क्षेत्र तहसील मेहनगर ग्राम गौरी निवासी संगठा विश्वकर्मा के पुत्र मनोज विश्वकर्मा ने बताया कि उनके परिवार की जमीन रानीपुर अजमो द्वारा ग्राम सभा के बिंद्रा बाजार में आनंद क्लिनिक के सामने गाटा संख्या 2272 है, जिसमें से 24 कड़ी जमीन वजीर मलपुर निवासी आशा देवी पत्नी सोमनाथ यादव को बैनामा दिया गया था, जिसकी चौहद्दी पश्चिम रियाद पूरब प्रभावती उत्तर सह खातेदार और दक्षिण सड़क जिसकी संयुक्त टीम द्वारा 22 अगस्त 2021 को पैमाइश करवाकर के सीमांकन का निशानदेही भी की गई, जिसके बाद सीओ द्वारा इस चकबंदी की रिपोर्ट लगाई गई, लेकिन बैनामा प्राप्तकर्ता द्वारा सीमांकन को इनकार करते हुए पीड़ित की बची हुई जमीन को कब्जा करने की कोशिश की गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विपक्ष द्वारा एक षड्यंत्र के तहत अपने ही दुकान के शटर का ताला तोड़कर 25,000 नगदी और 1,00,000 का सामान गायब करके चोरी करने का षड्यंत्र रचा गया। ऐसे में स्थानीय मेहनगर प्रशासन अभी तक मुख दर्शन बना हुआ है, कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पीड़ित मनोज विश्वकर्मा ने बताया कि फिर से दबंगों द्वारा 28 अगस्त 2021 को संयुक्त टीम बुलाकर हमारी जमीन की वही स्थानीय प्रशासन फिर से पैमाइश करने के लिए आए, लेकिन आधी अधूरी पैमाइश कर वापस लौट गए। बाइट मनोज विश्वकर्मा पीड़ित। आइए देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। मनोज विश्वकर्मा ग्राम गौरी पोस्ट इंदिरा बाजार थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरे पिताजी की रानीपुर अजमो ग्राम सभा में मेन नगर रोड इंदिरा बाजार स्थित ग्राम सभा रानीपुर में हमारे चक है, जिसमें हमारे पिताजी और चाचा हमारे छोटे चाचा से आशा देवी वाइफ ऑफ शोभना ग्राम उजैनमलपुर की बैनामा लिए थे और जिनकी चौहद्दी पश्चिम रियाज उत्तर सह खातेदार पूर्व प्रभावती दक्षिण सड़क मेनगर है, जिसको पैमाइश 22/7/2021 को लेखपाल कानिगो और चकबंदी लेखपाल कानिगो संयुक्त टीम का गठन करके पैमाइश कराई गई और जिसको ऊँटा निशानदेही दे गई और इसको नामंजूर करके बैनामेदार हमारे अदर जमीनों पर जो हम लोग बाउंड्री वाल करवा रहे थे उसको बार बार दबंगई और पुलिस के बल पर रुकवा दिए। आज उन्हीं लेखपाल द्वारा फिर से पैमाइश कराई गई जो कि आधे अधूरे पे छोड़कर चले गए। पी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।